जालौन में बासे भोजन को खाने से कस्तूरबा आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 5 छात्राओं की हालत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडारी में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 छात्राओं की हालत नाजुक होने की वजह से मेडिकल कॉलेज उरई में रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं बीमार छात्राओं का हाल जानने DMSP समेत प्रशासनिक अमला अस्पताल पहुंचा। सूचना पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। की तबीयत खराब होने की शिकायत मिली थी, जिसके क्रम में यहां SP साहब और DM साहब दोनों लोग ने निरीक्षण किया। एक बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी आकस्मिक डेथ भी हो चुकी है। अभी उसका कारण का पता नहीं चल पाया, किस कारण उनकी डेथ हुई है। जांच कराई जा रही है, इसके बाद निश्चित है अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी। के अनुसार कस्तूरबा विद्यालय पिंडारी का निरीक्षण किया और हमारी चिकित्सीय टीम के द्वारा परीक्षण किया गया। इसमें 5 बच्चियों को घबराहट और चक्कर की शिकायत थी, उनको मेडिसिन प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और बच्चियां स्वस्थ हैं और उनको बाकी। और बच्ची की डेथ हुई है, क्या अभी तक निकल कर आया है कि मिड डे मील में भोजन के कारण हुआ है, किस कारण हुआ है? वो विषय अलग है और उसको आगे कार्रवाई होगी जो भी होगी। नहीं तो बच्चों की जो हालत बिगड़ी है, किस कारण बिगड़ी है? क्या फूड पॉइजनिंग हुई है? फिर फूड पॉइजनिंग की वजह नहीं लग रही है, थोड़ा सा घबराहट और चक्कर और घबराहट की शिकायत आई है। एक साथ इतनी बच्चियों का अचानक हो जाना, तो क्या क्या कहा जाएगा? नहीं, एक साथ 5 बच्चियां बीमार हुई हैं, उसमें बीमार में कह सकते हैं कि उसको हेडेक हो रहा है, चक्कर हो रहा है और इस तरह की शिकायत है। और जो बच्ची डेथ हुई उसका कुछ अभी कुछ पता लगा, किस कारण? बच्ची तो इसी विद्यालय की है जी, उसका अभी उसका उसके जाँच के बाद पता चलेगा। अग्रिम कार्रवाई। नेशन मिरर के लिए जालौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।